गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारिया नूं। किवें हो सारे? होप सारे बहुत वधिया ते चढ़ती कला दे विच होंगे। बाबा जी थोनू बहुत सारिया तरक्कियां देण, थोड़े खजाने भरे रहन। बाबा जी हमेशा मेरा भरिया हथ थोड़े ते रखण, यही अरदास रहिंदी है इस छोटी जी भैण दी थोड़े लई, सारिया दी, चाहे वड्डी भैण चाहे छोटी भैण, सारिया लई, बिकॉज़ तुसीं सारे मेरी फैमिली हो, राइट। ते जिही जी अरदास हनीत उहनां लई या अमन उहनां लई करूंगी, उही जी अरदास थोड़े लई करूंगी। अज आप ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं थोड़ा दिखाई मनी प्लांट वगैरह हले सारे सुते पे ने। यह 8 बजे का टाइम है एंड सूरज हैगा शिखरा ते, सॉरी टंग स्लिप हो गई सी, शिखरा ते आ देखो लिटरली मैं लगता नहीं अपन सूरज दिखूगा, तो बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज धुप हो रही है। मैं थोड़ा दस ना, मतलब 2 हफ्ते पूरी धुप पैनी है। 14 नूं शायद थोड़े जे बदल होणगे, पर मेरा गुरप्रताप इन्ना ज़्यादा एक्साइटेड है बसंत लई, और इन्ना ज़्यादा उन्हूं होया पिया भी हाए बदल ना होण, है ना। सो मौसम विभाग तो मैं यही कह रही हाँ भी धुप निकलूगी पूरी, तो 14 नूं बदल होणगे। तो हुण आपां काम कित्थों स्टार्ट किया वह थोड़ा मैं दिखाउनी हाँ। सब तो पहला जिहड़ा मनी प्लांट आपां उत्थे रखदे हुन्नी आ, मैं थोड़ा दस्सिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे विच, नॉर्थ दे विच, ते उनू बाहर कढ़िया। मैं क्या थोड़ी जी धुप लग लवे, पानी चेंज करांगे अज, प्लांट्स नू धुप लगनी शुरू होगी मेरिया नू। हले जिवें इस प्लांट ते फ्लावर्स आंदे ने, हले आने शुरू नहीं होए, आगे थोड़े जिहा देखो थोड़े थोड़े शुरू हो गए, है ना आने। ते मनी प्लांट मेरा जमे सुक चुकिया सीगा, मनी प्लांट मेरा जमे सुक चुकिया सी, हुण चलूगा। सारे प्लांट सुक चुके सी, आ देखो आ भी हुण मैं इन्हां नूं प्लांट्स नूं नवें प्लांट्स लवाऊंगी, क्योंकि कहिंदे हुण नवें प्लांट्स लग सकदे ने। तुलसी तां मेरी विचारी जमे सक गए, इन्हां नूं तां मैं हुण पानी दे के ना हरी भरी करना। इन्हां नूं मैं अपने आंगन दे विच रख्या होया भी, इत्थे प्रॉपर धुप लगे इन्हां नूं। लो जी फाइनली हनीत हो चुका है रेडी स्कूल जान लई, ते कहिंदी मैं ना फुल ऑन ड्राई करके अपने बाल ड्रायर नाल फेर जाऊंगी स्कूल। मतलब इहनूं स्ट्रेटनर दा ड्रायर दा सारे कासे दा पता है। एक्चुअली ना अमन ड्राई करते होंगे ने अपने बाल जो भी कितने बाहर जाते हैं, अमन नू हैबिट, अमन हमेशा ड्राई करते हैं। वैसे कहते हैं कहते ड्रायर ज्यादा यूज करने नाल ना बाल है ना डैमेज होंगे ने। मैं नहीं कदे भी कितने, मैं स्ट्रेटनर ना जरूर अपने डैमेज कर लें, पर मैं ड्रायर ना कदे नहीं डैमेज किए। अमन नवी नू इन्हां नू सारे नू आदत है ना बाल ड्राई करके फिर जाते हैं, ये उन्होंने देखती रहती है ना। हुण कहिंदी मैं स्कूल जाना है भी मैं ड्राई करके जाऊंगी हेयरस, फिर मैं क्या भी मैम ने तेनों गुस्से होना भी तू इन मेकअप इन्ने इशने विशने करके आनी है। कहिंदी नहीं मैम नूं नहीं पता भी हेयर गिले हुंदे ने वैट हुंदे ने, ते उन्हां ड्राई करके आईदा हुंदा। पता नहीं कित्थों कित्थों गल्लां सिखदी है ना। आलो फाइनली हुण रेडी है। कहिंदी मैं मोटरसाइकिल चला के लैके जाना, एकदम इन्नी रेस देती मैं अमन नूं कहा, मैं कहा इहदे नाल हासे दा तमाशा ना हो जाए भी तुसीं इदां ना इहनूं ओह फड़ाया करो, है ना। कहिंदी नहीं मैं ही चला के लैके जाना। चलो फाइनली हुण इह स्कूल जाऊगी, फिर वो तो बाद अपना कोई ना कोई काम शुरू होगा, है ना। सारिया ही मैंने पता मेरिया भैन का यही कुछ है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या हसबेंड्स काम से जाते हैं वो तो बाद आप वेले होंगे, वो तो बाद अपना काम स्टार्ट होंगे, है ना, जो अपना काम होंगे। लो जी अज फाइनली मैं अपने हसबेंड की फरमाइश पूरी की, है ना। सारे घरद्या की तो मैं हर रोज़ फरमाइश पूरी करती हाँ, कदे किस मतलब मम्मी ने कहता भी अज मूली वाले बना लो, है ना। कदे किसी ने कुछ कहता, कदे किसी ने कुछ कहता, है ना। अमन की मैं फरमाइश, अमन तो कहते हैं जो बन जूगा मैं खा लूंगा, है ना। अमन ने कद फरमाइश नहीं रखी, या मैं अपनी चॉइस का बनाई हूँ भी अज आ बना लें जो अपन सौखा लगता है ना। पर अज मेरे हसबेंड ने अमन जी ने पहला सवेरे उठते सारी मैंने कहता, कहते अज मैंने ब्रैड पकौड़े बना देंगी। मैं क्या हाँ, कहते पर फिर बेचारे सोचने लगे, कहते रहन दे मतलब कम बच जूगा, है ना, भी तू परौंठे ही बना दे। मैं क्या नहीं नहीं मैं बना दूंगी भी तुम खुश होकर खाओ। फिर मैं अमन बहुत दिल न बना के खवाए ने। अज लो जी मैं अपने ना हसबेंड की फरमाइश पूरी की है। Let's see, मंगाया मैं कुछ की मंगाया, भानिया तुम जीन्स मंगाइया ने, एक आ जीन है एक होर है, दो ही जीन ने नवी मंगाई है वेस्ट। Let's see, लीवाइस की मंगाई है, तुम दिखा दी ब्रांड लीवाइस की मंगाई है। मैं लीवाइस यूएस पोलो टॉमी ये सारे ब्रांड बहुत वधिया लग रहे, लीवाइस की मेरे कोई है भी नहीं सी हुण। लीवाइज की मंगाई है एंड अपनी आऊगी या नहीं हूँ मैं कुछ कह नहीं सकती, आ सकती है। 34 वेस्ट मंगाई है, 32 तो 34 हो गई नीत तो बाद किदा मैं इंसान बदल देन ना टाइम नहीं लगता है ना। किसी टाइम मेरे जदों ब्याह तो पहला 20 गुरप्रताप तो पहला 28 आना सगा,
फिर हौली हौली 30 आन लग गया, फिर 32 आन लग गया, हूँ 34 आ रहा है ना। मतलब मैं हैरान हाँ भी इंसान किन्ना बदलता और किन्ने रूट होंगे ने इंसान के, है ना। पर यार वो भी तो है जिमें नीरू बाजवा या कोई होर है ना, उन्होंने तीन तीन बच्चे ने पर वो अपने आपू मेनटेन रख्या हुआ है ना। मतलब वो एक जज्बा होंगे अपने आप को मेनटेन रखने का, है ना। काश वो जज्बा मेरे च भी आ जाए, मैं भी मेरी तो जीत पर कंट्रोल नहीं है, सच्ची गल दसा मैं तो ना भुखी नहीं रह सकती हैगी, मेरी इन्नी वड्डी प्रॉब्लम चल रही है। मैं ट्राई कर रही हाँ जे घट जाए, वैसे मैं लग रहा भी इंचिस फर्क पे आप ही कह दें, किसी ने कहना है पता नहीं नहीं कहना, आप ही कह दें इंचिस का फर्क पे है मेरा थोड़ा जहा, है ना। तो किन्ने की आई है यह हैगी 3400 की सी, ये आपू मिंत्रा के ऑफ तो आपको मिलेगी 1800 की, 1800 हो गया मिलगी। कलर दस्यो सोहना है ना, आजूगी ये वेस्ट तो होप सो आ ही जाए हम, तो मैं बहुत पसंद है यदा कलर बहुत सोहना। मैं जीन्स का वैसे भी डायनेम्स बहुत वधिया लगते हैं, मैं फॉर्मल घट पाँनी हूँ, मैं डायनेम्स ज़्यादा पा के खुश हाँ। तो हूँ मैं ट्राई करूँ, मैं फॉर्मल्स भी पाने शुरू करूँगी कुर्ते पजामियां और कुर्तियां जेडे अपन नवे कुर्ते लगे से ट्राई करूँ, पर मेरे फॉर्मल मैनू नहीं लगता वधिया लगेगी। तो अमन तो कहते हलिया ना पट्टी टैग्स लीवाइज वाले भी अपन रिटर्न ना करनी पड़ेगा, पर मैं नहीं लगता रिटर्न करनी आजू मेरे ये लग खुला ही होगा, होप सो ऑल्टर करावे थोड़ी जी जीन्स थलों, क्योंकि मेरे लेंथ हमेशा ही ऑल्टर करवानी पड़ती है, मैनू ना फोल्ड जी कितिया पसंद नहीं, ये भी करवानी है ऑल्टर, ये भी एक मेरे को होर है। हूँ तीन चार जीन्स हो गए, जीन्स नाल अपनी गर्मियाँ निकल जाएगियाँ, लवेंगे टी शर्ट्स थोड़ी जी खदाई करनी भी लोड़ सी, ते हुण थोड़ी धुप लगन लगी, हुण मैं थोड़े जे प्लांट्स चेंज किए ने, यह मैं लगता सनफ्लावर कहते हैं, है ना, इन्हू सनफ्लावर लवाया। मैं दिखाई हाँ थोनू जूम करके भी, पहला माली ला देन, माली ने सारे पौद्या च खुदाई करती लवा के, यह सनफ्लावर लाया। एक तो यह येलो कलर का लवाया, एक मैं लवेंडर कलर का लवाया, है ना, वो थोनू दिखाई हाँ देखो, वो इको लवेंडर कलर का लवाया, लवेंडर कलर का तो बहुत फैशन है ना। यह वैसे मैं शाम को झाड़ू मारना नहीं सी, कहते मारी दा नहीं हुंदा, शाम नहीं हैगी इत्थे 2 बजे हुए ने दोपहर दे, ते पर मैनू ता मारना पिया इत्थे ना सारी मिट्टी मिट्टी होई पई सी, फिर मैनू ऐसी भी मिट्टी पैरां नाल अंदर जाऊगी, मिट्टी कट्ठी कीती है, होर आपां कोई झाड़ू नहीं मारिया हैगा, है ना, मिट्टी कट्ठी करदा मैं क्या चल भी पैरां नाल जाऊगी, क्योंकि माली जदों खुदाई करके गया ना सारे प्लांट्स की, तो वह मिट्टी हो गई, वह कहिंदा भी थोड़े प्लांट्स तां भी सारे ज़्यादा मुरझा गए, वैसे तो ठंड करके ही सब दे ही मुरझाए ने, है ना, प्लांट्स सारे, मेरी तुलसी जी तो तुसीं देख ही सकदे हो, है ना। तो वह कहिंदा तां भी मुरझा गए भी जे तुसीं उहनूं खुदाई नहीं कीती हुई भी, उन्होंने खुरपा लैके वह करया करो, तो खाद पा दिया करो, है ना। मैं क्या खाद की पाँदे भी ठंड ही इन्नी सी खाद, मैं तो इन्होंने पानी भी नहीं दे सकती सी, क्योंकि मैं पानी देने नू मेरा जीओ नहीं करता सी इन्नी ठंड च। अज ना एक तो मेरिया चुनिया ही नहीं सबदिया है, रियली ये चुनिया सारा दिन जो सब ही जावा ना ता भी नहीं सबदिया है, इन्ना बुरा हाल है मेरिया चुनिया का। हूँ मैं की किया, वैसे मैं जो नवी नवी ब्याह के आई सी ना उदो भी मैं आ ही टेक्नीक की सी, जो नवी नवी ब्याह के आई मतलब उदो बहुत सॉर्ट आउट रहा सारा कुछ, जो तुम मेरा कमरा देखते है ना ऐसा भी जिमें है ना कदे कोई चीज़ हिली नहीं होंगी अपनी थान, बच्चे हो गए सारा कुछ हिल गया, है ना, हूँ वह सुती पई है ते ता करके हुण मैं लगी हुण मैं ना अपनी पहला वाली टेक्निक ते आ गई, पहला वाली आदत ते आ गई। हुण मैनू ऐ लग रहा भी पहला मैं ना हैंगर्स च टंगिया सी, तुहानू चुनिया दिखावां, मेरे चुनिया का हाल मंदा ही है, चुनिया ना हैंगर च टंगिया हुई का हाल देख लो, सारी लमारी ऐ लगती सी जिवें बहुत ज़्यादा भर गई हुंदी है ना। तो हुण मैं सोचिया भी टोकरी च पा के रखां चुनिया, फिर ठीक रहणगी आ शायद, लेट्स सी, चेंज करके देखती रहनी हूँ जगह भी किस लोट ठीक रहनगी, है ना, प्योर चनोन के दुपट्टे ने नाले सारे, तो मैं ए भी हूँ यह टिके रहन, एक टोकरी तो नहीं मैं लगता आना, यही जी मेरे को एक टोकरी होर है, तो देख लाँगे जे ना आए फिर वो रख देंगे। आ दुपट्टा मेरा मैं किसी ना किसी कॉटन के सूट नाल लै लैनी हूँ, है ना, क्योंकि कई बार जो गर्मियां होंदिया ने ना गर्मियों के होंगे आप जी चीज़ मूहरे आती है जिहड़ी चुन्नी हाथ लगती है आप उ चक लें, क्योंकि मूँह पूंजन नहीं होंगी है, कॉटन की चुन्नी तो बहुत वधिया लगदिया ने गर्मिया है ना, ये थोड़ी कॉटन की है, कॉटन के उत्ते ब्लॉक होया हुआ है ना, तो इनू भी रख लें, ये गर्मिया यूज होगी।
आ मेरा फेवरेट सूट येलो जेड़ा मैं हर वीरवार पानी हाँ कलू पाऊंगी शायद नहीं आई डोंट थिंक सो मैं कलू पाऊंगी ये सूट कलू तो आप देखते हैं पर नहीं कलू तो यह पैजूगा हूं तो मौसम घट गया जब मैं इन्नी ठंड के सूट पा सकती हाँ तो गर्मियों मतलब मौसम सही हो क्यों नहीं पाती दस मैं कि कवनी हाँ है ना तो आप इस करके जो कलू तो आप पा लाँगे कलू मैं वैदर वैसे भी वैदर चैक किया वैसे वैदर तो मैं थोड़ा रोज़ ही दस दी सी भी बहुत सारी धुप निकलूगी पर अज बदल हो गए थे है ना बिचनों तो पर कलू भी वधिया धुप दिखा रहे हैं ये मेरे है मसलीन के दुपट्टे तो मेरे को हर टाइप का दुपट्टा है चनोन का भी मसलीन का भी बस मैं सिर्फ ना तो शिफोन का दुपट्टा वधिया लगता जेड़ा प्योर का दुपट्टा कहते रहे ना मैनू हाफ प्योर का वधिया लगता मैं वो दुपट्टा कदे नहीं लै सकती आ एक सूट नाल मेरे सीगा ये मैं कदे नहीं लिया ना तुसी मेरे ये कदे लिया देखिया होना लो चली मैं अपनी दो दो टोकरियां चुन्नी की लेके लो चली मैं यार दो टोकरियां भर गई देखो है ना चुन्निया नाल हले लगे नहीं मेरे कोई भी दुपट्टा नहीं है मैं कदे मम्मी का लैनी कदे किसी का मंगदी हाँ कदे किसी का मंगदी हाँ तो आ दो टोकरियां ऑलरेडी भर चुकी ने हले जे शॉल ने समेटे नाले वह भी ये ही समेटा मैं थोड़ा दसा सीना एक टोकरी मेरे को पई है भी वे भी शायद आ रही हले जी खला खुंजिया मेरी चुनिया लभनिया ने अड ने लो चली मैं अपनी चुनियों को सैट करने लो चली मैं कोरियर देन चलिया सर तुसी केड़े कोरियर आए हो डी टी डी सी तुसी किनू देन चले हो कोरियर फाफा दवा मास्टर जी फाफा दियो हनीत ने कोरियर दे के आना मास्टर जी लिफाफा दे दो सानू आ थोड़े कोरियर आला खड़ा है मास्टर जी गेट ते ये तो ले लो कोरियर नहीं लिफाफा दे दो ले लो मास्टर जी से लिफाफा ये लो वो कहती लिफाफे में डाल के कोरियर करने जाना है मैंने ला मैं डाल के दू अज तो मैं हनीत नाल भी खेडी है ना हले मेरी दाल सब्जी बनाने वाली सारी पई सी पर इनू सीगा भी मम्मा मेरे नाल खेडे फिर मैं क्या भी बच्चा है ना कहूगा भी मेरे ना कोई भी नहीं खेडता हैगा फिर जिवें दादी मम्मा नाल बैठ के ही खेड सकदे मम्मी तो इनू बिठा के ही बैड ते खेड सकदे ने भी इहदे पिछे पिछे नहीं फिर सकदे है ना मैं इस करके मैं चल अज मैं इहदे नाल खेड ला नहीं तो कहूगी भी मेरे नाल कोई भी नहीं खेडता हुण ना कोरियर वाली बनी हुई आ एक्चुअली जो बच्चा घर च देखदा है ना उही सिखदा मैं तो हैरान हाँ भी बच्चे कच्चा भांडा ही ने है ना जो देखता उही सीखता तो यह देखती रही है भी असं कोरियर करते हैं है ना अमन कोरियर करके आते हैं भी उमें कोरियर कर गई हुई है ना मतलब असं यदि खेडा देख के हैरान सके पता लगता भी बच्चा है ना जो अपने पेरेंट्स न करते दे देखता उ सीखता आ हूँ पापा नाल लगी हुई है बिस्किट पार्टी कर पता नहीं कितों सीख के आई है कहती पापा हूँ ना आप बिस्किट पार्टी करा है ना अमन बिस्किट्स लैके आए थे बिकॉज मैं थोड़ा दस हूँ तो देखियो रात लंबिया सगिया तो अमन नूं भुख नहीं लगती सी हुण रात छोटिया हो गई हुण अमन नूं भुख लग्या करूगी हुण बिस्किट्स लैके आए सीगे है ना कहिंदे वी मैनूं रात नूं भुख लगती हुंदी वी मैं बिस्किट्स खा लिया करूंगा सारे बिस्किट्स अपने आले दुआले रख के ना हुण पापा नूं कह रही है पापा बिस्किट खोल दो मैं बिस्किट पार्टी करनी आ जाओ आपां बिस्किट पार्टी करिए पता नहीं कित्थों कित्थों सिखदे ने बच्चे सानूं कदे पता भी नहीं हुंदा सी वी बिस्किट पार्टी की हुंदा कैंडी पार्टी की हुंदा वी इक बर्थडे पार्टी दा जरूर पता हुंदा सीगा उह वी इह हुंदा सीगा वी फ्रेंड चा हुंदा सीगा वी अज साडे स्कूल च किसे फ्रेंड दा बर्थडे आ है ना वी बर्थडे ते जाना शाम नूं तां ओह चाह हुंदा सी नाले देखदे रहिंदे हुंदे सी जे किसे गली मन्ले आस गवांढ च किसे दा बर्थडे होणा ना देखदे रहिणा वी यार ओह सानूं सद्दूगा ओह सानूं सद्दूगा इदां बहुत हुंदा सी पर अजकल दे बच्चिआं नूं कोई मतलब नहीं हैगा इस चीज़ तों इहनां दी तां बिस्किट पार्टी है ना इहो जिहियां पार्टीज़ घरे आम ही चलदियां रहिंदियां ने आपां नूं इहो जिहियां पार्टीज़ हुंदियां नहीं सी एक्चुअली आपां तां हुंदा सी वी हाए फलाणा बच्चा सानूं उहदे बर्थडे अज उहदा केक गिआ करे मैं तुहानूं सच्ची दस्सां ना मैं देखदी रहिंदी हुंदी सीगी मैं ना जिमे नानके गली च जिमे जे दादके उत्थे मैं बहुत घट रही हूं मैं नानके ही रही हूं ज्यादा नानके ना मैं गली च देखते दे रहना भी फलाने के घरे अज केक गया भी यह बर्थडे पार्टी मना भी सानू सदनगे इदा ही होंगे सी ये मतलब अपना जोड़ा बचपन सगा मतलब बहुत इनोसेंट बचपन सगा है ना होंगे बच्चों का इनोसेंट बचपन नहीं होंगे बच्चों सब कुछ पता है उन्होंने सब पता भी पार्टी पर जाना कि नहीं जाना भी घर ही पार्टी हो जानी है इन्हों मतलब लाइफ च ना चीज़ों की अहमियत नहीं रही हैगी है ना
ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਹਨਾ ਹਰ ਸਰਕਲ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਹਨਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਨੀਤ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਕਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸੌਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਮੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੌਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਸੀ ਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ ਸੂਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਦੇਈਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਸ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਟੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਰੂਟੀਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈ ਹਨਾ ਸੋ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।